नमस्कार, मेरा नाम मनोहर शर्मा, मेरी शैक्षिक योग्यता MSc BEd है और मुझे शिक्षण करने का 10 वर्षों का अनुभव प्राप्त है। मैं झारखंड राज्य के साहेबगंज जिला से हूँ। मेरा जिला झारखंड का एकमात्र ऐसा जिला है जहाँ से पावनमयी माँ गंगा गुजरती है। मेरा जिला अनेकों ऐतिहासिक स्मारकों के साथ साथ अद्भुत प्राकृतिक छटाओं एवं प्राकृतिक संपदाओं के बीच अवस्थित है। मेरे विद्यालय का नाम आदर्श कन्या उत्क्रमित उच्च विद्यालय पोखरिया है, जहाँ की वर्तमान में लगभग 650 छात्राएँ विद्यार्जन कर रही हैं और अधिकांश छात्राएँ ग्रामीण परिवेश से आती हैं। मैं श्री अरविंदो सोसाइटी से लगभग 4 साल पहले से परिचित हूँ। मैं चूँकि झारखंड में साहेबगंज जिला के लिए SRP के रूप में काम करता हूँ, स्टेट रिसोर्स पर्सन, तो इसके लिए अरविंदो सोसाइटी ने रांची में 4 साल पहले एक कार्यशाला रखी थी हम SRPओं के लिए। तो उसी कार्यशाला के माध्यम से इस सोसाइटी को जानने का अवसर प्राप्त हुआ और वहाँ प्रशिक्षण के उपरांत जो एक संदेश हम लोगों ने प्राप्त किया वो अद्भुत था, जिसमें कि शून्य निवेश नवाचार को लेकर के आगे बढ़ने का एक मौका मिला। और उसके बाद मैं विद्यालयों में अनेकों गतिविधियाँ किया हूँ इस संदर्भ में, और इसी के प्रतिफलन के रूप में पिछले साल मेरा चयन साहेबगंज जिला से, यानी कहीं तो झारखंड राज्य के उन 32 शिक्षकों में मैं शामिल था जहाँ की दिल्ली के IIT डोगरा हॉल में मुझे HRD मिनिस्टर से सम्मान प्राप्त होने का मौका मिला। तो मैं थैंक्स कहना चाहूँगा श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को इस संदर्भ में। और अभी वर्तमान में जो इनोवेटिव पाठशाला है श्री अरविंदो सोसाइटी का, वो बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है हम शिक्षकों के लिए, जहाँ पर कि आप देख पाते हैं कि विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से कैसे हम विषयों और बच्चों के साथ जुड़ाव करें। ये बहुत ही सटीकता से ये हमें बताता है, और जब प्रशिक्षण हम लोगों ने इस संदर्भ में प्राप्त किया है तो उससे कैसे हम इजीली बच्चों को कनेक्ट कर पाते हैं सब्जेक्ट्स, जो कठिन विषयों हैं जैसे कि मैथ्स हो, इंग्लिश हो, तो इन विषयों में गतिविधि को शामिल करके कैसे हम बच्चे को कनेक्ट करते हैं उस विषयों के प्रति, तो ये चीज़ सिखाया है इनोवेटिव पाठशाला ने। और इसी से प्रेरणा लेकर के हमने ऑनलाइन क्लासेस में जो COVID-19 के तहत ऑनलाइन क्लासेस करवाया है और अनेकों चीज़ इसमें शामिल करवाया है उस प्रशिक्षण के माध्यम से जो प्राप्त अनुभव है उसके आधार पे। उसमें से सबसे पहले कि लॉकडाउन डायरी ज्ञान की भंडारी कह करके मैंने एक चीज़ लागू किया था, जिसमें कि सभी छात्राओं को बोला था कि अपनी अपनी डायरी अब बना लें और उस डायरी में अनेकों शब्दावलियों को लेकर के फिर जो गतिविधियां कराई जा रही है ऑनलाइन क्लासेस के माध्यम से, उसमें एक सीरीज वाइज हम लोग एक फॉर्मूलाज का सीरीज है, वोकैबुलरी का सीरीज है, तो बहुत तरह का डायरी लिखने की एक प्रवृत्ति अभी बच्चों में आई है। तो ये एक सक्सेस इनोवेशन रहा है। आओ खेलें शब्दों का खेल, इसको लेकर के भी हमने ऑनलाइन क्लासेस में सिखाया। वोकैबुलरी सीरीज को लेकर के भी हमने एक गतिविधि कराई थी, जिससे कि बहुत अच्छा लाभ प्राप्त हुआ बच्चों को। श्री अरविंदो सोसाइटी के ने इस तरह से जो इनोवेटिव पाठशाला चलाए, इससे कि हम बच्चों में विशेषकर गणित और अंग्रेजी विषयों को हमने कनेक्ट कर दिया है बच्चों के साथ। मेरा विद्यालय रोल मॉडल विद्यालय है, रोल मॉडल स्कूल है, और यहाँ पर हम सभी बच्चों को एक संस्कार के साथ साथ उसमें बौद्धिक विकास की ओर हम सभी शिक्षक काम करते हैं, प्रयास करते हैं, और इसका रिजल्ट अच्छा आया है। तो एक बार पुनः मैं धन्यवाद देना चाहूँगा श्री अरविंदो सोसाइटी और HDFC बैंक को कि आप इस तरह के कार्यक्रम को निरंतर आगे बढ़ाते रहें, ताकि हम शिक्षक उससे लाभान्वित होकर बच्चों से कनेक्ट हो पाएँ, बच्चों को विषयों के प्रति ज़्यादा सजग कर पाएँ। धन्यवाद।